असलम माय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि वीडियो के ऊपर अगर 50, 60 या 70, 80 व्यूज़ आ जाते हैं या 200 व्यूज़ आ जाते हैं, उसके बाद हमारी वीडियो रुक जाती है। अगर हमारी वीडियो YouTube रिकमेंडेशन में भेज देता है, 500 व्यूज़ आ जाते हैं, फिर भी हमारी वीडियो बिल्कुल रुक जाती है। देखिए, अगर वीडियो रुक जाए तो उसके ऊपर कौन सी ट्रिक लगानी है। मेरी भी वीडियो रुक गई थी, तो जिसके ऊपर मैंने ट्रिक लगाई है तो मेरी वीडियो आस्ता आस्ता वो बूस्ट कर गया है। देखिए, वीडियो के अगर 48 घंटों के अंदर अंदर उस वीडियो के ऊपर बिल्कुल व्यूज़ आना बंद हो जाएं, अगर 1, 2, 3, 4 व्यूज़ आ रहे हैं तो फिर तो वीडियो हमारी समझो कि सर्च में है, वो भी चल रही है, उसके ऊपर आपने ट्रिक नहीं लगानी। अगर कोई वीडियो ऐसी है जिसके ऊपर व्यूज़ आना ही बंद हो गए हैं, तो उसके ऊपर ये ट्रिक आपने वो अप्लाई करना है। दूसरी बात यह है कि हमारा चैनल आस्ते आस्ते से क्यों वो डेड होना शुरू हो जाता है, क्यों हमारी जो वीडियो के जो है इंप्रेशन कम होना शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर व्यूज़ आना कम हो जाते हैं। पहले ये हज़ारों में व्यूज़ आते थे, 2000, 3000, फिर आस्ता आस्ता 500 कर करके तो हमारे जो व्यूज़ अब 100, 200 में आ गए हैं। इसकी क्या वजह है, कौन सी मिस्टेक हैं, वो भी आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए आएँ तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, उसका जो बेल का आइकन उसको आपने दबा देना है, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, और यहाँ पर सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है। अब हम इस वीडियो का जो एनालिटिक्स है वो आपके सामने ओपन हुआ है, तो इस वीडियो को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी वीडियो ये रुक गई थी, ये इसके ऊपर तकरीबन 500 व्यूज़ आए, इसके ऊपर ये रुक गई थी। YouTube ने इसको रिकमेंडेशन में भेजा हुआ था, इसके बावजूद ये वीडियो मेरी जो है रुक गई थी। देखें, इस वीडियो के ऊपर अभी भी 48 घंटों के अंदर अंदर इसके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं। ये देखें, अब इसका आप चेक कर लें, YouTube को रिकमेंडेशन में कितने 1000 बंदों को YouTube ने ये मेरी वीडियो दिखाई है और इसके ऊपर 1000 व्यूज़ आए। उसके बाद ये देखें, यूट्यूब फीचर जो है 43 व्यूज़ आए, YouTube सर्च से 9 व्यूज़ आए, देखें। और उसके बाद ये देखें, अभी 48 घंटों में ये देखें 74 व्यूज़ आए, ब्रोस फीचर में 44 आए, सजेस्टिव में 26 आए, और बाकी ये देखें एक एक आ रहा है। अब इसके ऊपर मैंने ट्रिक कौन सी लगाई है, ठीक है, ये देखें। इसकी रीच पहले चेक कर लेते हैं, इसकी रीच के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ये देखें 11000 इसके इंप्रेशन हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद ये देखें क्लिक इंप्रेशन, देखें 8% मतलब है कि लोग इसको क्लिक कर रहे हैं। ये भी था कि ये वीडियो मेरी जा रही है, आस्ता आस्ता ये वीडियो मेरी वायरल हो जाएगी। ये देखें ब्रोस फीचर से ये इनके 53% आए, सजेस्टिव वीडियो से वो 40% आए, इसी तरह जो है वो देखें 4% जो है YouTube सर्च से जो है इस तरह आए। तो ये देखें, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अब जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है यूट्यूब सर्च टर्म, ठीक है, ये लिखा हुआ है बिजली का बिल कम कैसे करें, ठीक है। ये लोगों ने सर्च किया है तो मेरी वीडियो भी यहाँ आना शुरू हो गई है। अब ये देखें कंटेंट सजेस्टेड दिस वीडियो, ये देखें ये जहाँ लिखा हुआ है हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे ये किसी की वीडियो है और उसके नीचे ये मेरी वीडियो है। अगर देखें आपकी वीडियो ये रुक गई है तो आपने इस वीडियो के ऊपर जाके क्लिक करना है, ये आपके सामने वीडियो शो हो जाएगी। तो आपने इसका जो टाइटल है वो आपने कॉपी कर लेना है, उसके बाद इस टाइटल को आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपने वो लगा देना है। कम से कम ये जितनी भी वीडियो है ना, ये देखें उसके नीचे हमारे कम से कम आपने 4 वीडियो यहाँ से लेनी है, ठीक हो गया। यहाँ से आपने 4 वीडियो लेनी, उन 4 ही वीडियो के आपने जो टाइटल हैं वो अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने वो लगा देने इनके, ठीक हो गया। इससे ये होगा कि आपकी जो वीडियो, जब भी इनकी कोई वीडियो देखेगा तो आपकी वीडियो फिर से वो बूस्ट पकड़ेगी। ये आपने ये ट्रिक लगानी है और इंशाल्लाह ताला आपकी जो वीडियो आस्ता आस्ता उसके ऊपर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो ये मैंने ट्रिक अप्लाई की थी, तो मैंने कहा चलें आपसे भी ये शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरी ये वीडियो बिल्कुल रुक गई थी, क्योंकि 1-2 वीडियो इसी तरह थी मेरी, वो भी रिकमेंडेशन में जाके ना वो रुक गई थी, 300 पे ऊपर जाके वो आस्ता आस्ता से वो रुक गई थी। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर इस तरह की वो मैंने ट्रिक लगाई है, तो ये देखें आस्ता आस्ता व्यूज़ मेरे ये आने शुरू हो गए। ये मैं आपको पहले की जो वीडियो वो आपको वो दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये जो 1K पे चली गया, ये देखें इस पर 277 व्यूज़ आए, ये भी रुक गई थी मेरी, और 202 पे जाके रुक गई थी, ये जो मेरी शुरू की वीडियो है। तो फिर मैंने ये जो ट्रिक लगाई है ये अब मेरी 1K से ऊपर चली गई है, तो ये ट्रिक आपने अप्लाई करनी है। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो व्यूज़ हैं पहले अच्छे खासे आते थे, अब क्यों नहीं आते। देखें उसके हो सकता है 2-3 रीज़न होंगे, जो मेन गलतियाँ वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ये है कि आपने हो सकता है कि अपनी जो चैनल के जो ऊपर वीडियो आपने जो अपलोड की हूँ, चाहे शॉर्ट हूँ चाहे लॉन्ग हूँ, तो आपने डिलीट की हूँ, 1 की हो या 2 की हो या 3 की हो, तो ये मनफी सिग्नल चला जाता है YouTube को।
तो अगर आपने वीडियो डिलीट की है इस वजह से आपके चैनल की आस्ते आस्ते से वो रीच कम हो गई है, तो जिसकी वजह से व्यूज़ आस्ते से आने बंद हो गए हैं। ये गलती होगी तो आपने ये गलती नहीं करनी। अगर इस तरह की कोई वीडियो आपसे कोई गलत बन जाए या कुछ, तो उसको आप इनलिस्ट कर दें या उसको आप प्राइवेट कर दें, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी, आपने इसको डिलीट नहीं करना। दूसरा यह है कि आपने ईच एक ही नीच के ऊपर है कि आपने काम करना है, ये नहीं कि कैटेगरियाँ चेंज करते हैं। कभी टैग के ऊपर आपने देखा कि किसी और बंदे ने, गेमिंग वाले ने वीडियो बनाई, तो आपने देखा उसके ऊपर खासे व्यूज़ आ गए, तो आपने वही जो इसके ऊपर आपने वो डाल दी हो, फिर उसने आपने फिर कैटेगरी चेंज की है, 10-15 दिन बाद फिर आपने कैटेगरी चेंज की है, तो यूट्यूब को लगेगा ये बंदे को पता ही कोई नहीं है कैटेगरियाँ चेंज कर रहा है, कभी एक वीडियो डाल रहा है कभी दूसरी डाल रहा है, तो इससे भी मसला बन जाता है। अगर आपके व्यूज़ कम आना शुरू हो जाए तो आपने ये भी गलती आपने नहीं करना। दूसरी बात है लाइव, देखें लाइव आप लाजमी करें, लेकिन आप जब सब्सक्राइब वाला बटन उसको आप ऑन करते हैं लाइव के दौरान, अगर आप डेली कर रहे हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपने उसको ऑन नहीं करना, क्यों अगर अब आप उसको ऑन रखेंगे तो इससे भी आपके जो व्यूज़ हैं वो आस्ते आस्ते से वो कम होना शुरू हो जाएँ, तो लाइव के अंदर भी जो आपने वो काम नहीं करना। हाँ, अगर हफ्ते में या 15 दिन में 10 दिन में एक दफ़ा आप लाइव कर लेते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सब्सक्राइब वाला बटन ऑन भी करेंगे, लेकिन आपने अगर डेली लाइव करनी है तो उसके अंदर आपने सब्सक्राइब वाला बटन आपने ऑन नहीं करना। अगर आप ऑन करेंगे तो आस्ते आस्ते यूट्यूब आपकी जो वीडियो के इंप्रेशन है, चैनल के जो इंप्रेशन है, वो आस्ते आस्ते डाउन कर देगा, उससे भी आपके जो व्यूज़ आएंगे वो बहुत ही कम आएंगे। तो ये गलतियाँ आपने बिल्कुल ही नहीं करनी। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। दो में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।